प्राइस थाना क्षेत्र में 11 जुलाई को हुई ब्रजेश विश्वकर्मा की हत्या के खुलासे के लिए गुरुवार को मृतक ब्रजेश के भाई ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। मीडिया से रूबरू होते हुए ब्रजेश के भाई उमेश विश्वकर्मा पुत्र स्वर्गीय नंदलाल विश्वकर्मा ने बताया कि 11 जुलाई को उनके भाई ब्रजेश की हत्या कर दी गई थी, जिसकी सूचना 12 जुलाई को मिली थी, जिसका मुकदमा पिपराइस थाने में दर्ज है। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाते हुए हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही खुलासे की मांग की है, जिसके संबंध में जब दूरभाष पर SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ संदिग्ध लोगों की निगरानी की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच और सर्विलांस को भी लगाया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मृतक के भाई उमेश विश्वकर्मा और दूरभाष पर बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, मेरा नाम उमेश विश्वकर्मा। हम अपने भाई की हत्या के संबंध में, क्योंकि आज एक महीने बीत गए लेकिन अभी तक न हत्या के बारे में कोई, हत्या के कारण का कोई पता चल पाया, न हत्यारों की गिरफ्तारी हुई। 11 जुलाई को मेरे भाई की हत्या हो गई थी, जिसमें वो अपने मित्रों के साथ दावत खाने गए थे और सुबह अगले दिन जो है सुबह उनके लाश हमारे गाँव के समीप 1.5 किलोमीटर दूर पर भटट से बैलो मार्ग पर उनकी लाश मिली थी। लोगों के द्वारा जब जानकारी हमको हुई तो मैं वहाँ पे गया उनके शव के पास। वहाँ से उनके मोबाइल, स्कूटी और पर्स सारे सामान के भी गायब थे और उनकी हत्या करके वहाँ लाश फेंक दी गई थी। उसके बाद हम पिपराइज में तहरीर देख करके मुकदमा दर्ज कराए। मुकदमा दर्ज कराने के पश्चात कुछ दिन बीतने के बाद मैं गोरखपुर में माननीय SSP साहब के वहाँ, माननीय DG के वहाँ हमने अपना जो है प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक जो है आज एक महीने बीतने के बाद भी किसी तरह का जो है हम लोगों को कोई जानकारी नहीं हो पाई, ना हत्यारोपियों की गिरफ्तारी हो पाई। और मैं सभी शासन प्रशासन से यही चाहता हूं कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए, क्योंकि हम परिवार के लोग सभी लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और हम लोगों को कहीं से घर से बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। और आज एक महीने बीतने के बाद भी यदि हत्या खुलासा नहीं हो तो मुझे डर ये लग रहा है कि मामले को कहीं किसी स्तर से दबा करके रफा दफा ना कर दिया जाए, क्योंकि हमें अपने भाई की हत्या के कारण का पता चलना, किस कारण उनकी हत्या हुई और किसने हत्या की और उनको क्यों की, और हत्यारोपियों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, यही मैं सारे शासन प्रशासन से मैं गुहार लगा रहा हूँ। मैं हाथ नम्र जोड़ करके विनती मैं कर रहा हूँ कि किसी भी तरह कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके। विगत दिनों हुए ब्रजेश विश्वकर्मा हत्याकांड के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा क्राइम ब्रांच एवं गुलरिया और पिपराइज के संयुक्त टीम को लगाया गया है, उनको भी ध्यान में रखा जा रहा है और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है, वो भी रडार पे हैं। सारे पुष्ट साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद अन्य कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। पुष्टिकारक साक्ष्यों का एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें CCTV, CDR और टावर डम्प जितने भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं उन सब से कार्रवाई करके और इसके अनावरण का यथाशीघ्र अनावरण को हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सर, इसमें क्या उनके भाई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो उनका ये कहना है कि साहब अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ, तो क्या आप खुलासे के करीब तक हैं? जी, निश्चित रूप से कुछ लोग संदिग्ध पाए गए हैं और उनके संदिग्धता के आधार पर ये प्रयास किया जा रहा है कि पुष्टिकारक साक्ष्य मिल जाए, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा समय लग रहा है, तो जब साक्ष्यों की पुष्टि हो जाएगी, उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिल जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम अनावरण करके उनकी गिरफ्तारी।